hello friends this is kumar and i welcome all of you to my youtube channel friends today i'm going to discuss with you flock of sparrows by pash the real name of pash was avtar singh sandhu he was born in 1950 and died in 1988 the name pash has been derived from farsi language it is a noun there and it means fragrance however it is also believed that the pash derived its, his name from a village girl or a school teacher who infatuated pash as a young boy The present poem flock of sparrows has been translated by Tejwant Singh Gill born in 1928 who was a professor of English at Guru Nanak Dev University Amritsar The present poem flock of sparrows by Pash uses the motive of flight in a celebrated Punjabi song Punjabi folklore and culture Sada chidiyan da chamba ve baawal asa udi jana We are a flock of sparrows ready to fly away this song is also suggestive of joys and dreams of a happy married life the occasion of marriage also gives wings to their thoughts and desires in a new home with their husbands and with their new families the motive of flight has been used in the case of migratory birds who, who travel to a distant parts of the world in search of better inhabitants so now let us discuss the poem flock of sparrows will not take flight हेयर एंड देयर विल कट ग्रास ऑन द साइड्स अब वो क्या करेंगी फ्लोकॉफे विल नोट टेक फ्लाइट मतलब अब शादी हो गई है वोमन की शादी के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है अभी घास काटेंगी भी वो यहाँ वहाँ पे घर के आस पास की घास काटेंगी वो सफाई करेंगी मीन्स विल कैरी स्टेल चिपाथिस टू फारो फील्ड्स और क्या करेंगी वो स्टेल चिपाथ मतलब गाँव में क्या होता है सुबह खाना बना लेते हैं और फिर वो खाना लेके औरतें जाती हैं जो उनके खेतों में काम कर रहे थे उनके हस्बैंड उनके लिए खाना लेके जाती हैं तो तब तक वो स्टेल हो जाती है सूखी हो जाती हैं ना स्टेल चपातीज सुबह की चपाती दोपहर को खाते हैं वो वहाँ पे वो अपने हस्बैंड्स के लिए लेके जाएंगी अब अब वो खेलना कूदना बंद हो गया वुमन का यू गर्ल्स का अब जो तो क्या है वो घास काटेंगी अपने हस्बैंड्स के लिए खाना लेके जाएंगी खेत में डिपिंग डर्टी हेड गियर्स इन वाटर हैड गियर्स अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बताऊँ तो बिन्ना होता है बिन्ना जो क्या करते हैं ना वो जो चुनरी उड़ती हैं गर्ल्स उसको इकट्ठा करके ऐसे सिर पे रख लेते हैं उसके ऊपर खाना वगैरह लेके जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए तो वो क्या करेंगी डिपिंग डर्टी हैड गियर्स इन वाटर तो बाद में वो क्या करेंगी उसको पानी में भिगोएंगी बिल रब दैम ऑन दियर सनबर्न फेसेस और उसके बाद उनके जो धूप की वजह से पसीने से फेस पूरी तरह से सन बन है ना मतलब काला हो गया होगा उसको साफ़ करेंगी उससे पानी में भिगो के उस हेड गियर्स को अपने मुंह पे साफ़ करेंगी तो द पोइट्स सेज दैट द लाइफ ऑफ वुमेन इज गोइंग टू बी वेरी चेंज्ड इज अ डिफरेंट गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यू नो वर्जन लाइफ ऑफ दर इन दियर होम नेक्स्ट आ जा पढ़ते हैं फ्लोक ऑफ स्पैरोज विल नॉट टेक फ्लाइट चिड़िया तो चंबा नहीं उड़ेगा भाई इस बार हेयर एंड देयर हाइडिंग फ्रॉम पब्लिक गेज will all बाई इट सेल्फ लेमेंट damned डैम्ड यूथ full फुल थ्रोटेड ईज हेयर एंड देयर हाइडिंग फ्रॉम पब्लिक गेज अब वो क्या करेंगी लोगों से बचना शुरू कर देंगे लोगों की निगाहों से बच बच के जाएंगी है ना घूंघट निकाल के लोगों की निगाहों से बचेंगी बिल ऑल बाय इट सेल्फ लेमेंट और वो लेमट करेंगी दुख होगा दियर डैम्ड यूथ उनकी जो जवानी है जो उनकी जवानी जंग ही है अभी मैरिज के बाद काम पे लगा दिया है, है ना तो उन्हें तो जीने का मौका ही नहीं मिला शुरू पहले समय में जब ये पोइम लिखी गई थी उस समय लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी अभी भी खैर जल्दी हो जाती है कुछ केसेस में लेकिन अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं पहले क्या होता था पंद्रह सोलह साल की उम्र में आपकी शादी कर दी जाती थी तो फिर क्या होता था बस काम शुरू हो गया ज़िंदगी तो जी नहीं बिल्कुल भी तो वहाँ पे क्या औरतें करती थी लेमेंट करने का भी मौका नहीं मिलता था उन्हें रोने का दुख दुख बया करने का मौका भी नहीं था उनके पास तो वो हाइडिंग फ्रॉम पब्लिक एज मतलब लोगों से छुप के अपने बड़ों से छुप के अपना रोना रोने का भी उनके पास वक्त नहीं होता था इतना काम होता था विद फुल थ्रोटेड इज देर डैम्ड यूथ विद फुल थ्रोटेड इज तो फुल थ्रोटेड इज ये एक्सप्रेशन लिया गया है जॉन कीट्स की पोईम टू ए नाइन से वहाँ पे जॉन कीट्स कहता है ना कि जो नाइटेंगे uh, है वो तो फुल थ्रोटेड ई से गा सकती है लेकिन मैं अपने दुख को इस तरीके से बयान नहीं कर सकता तो यहाँ पे भी वो मोटिव पोइट ने वही सेम मोटिव यूज़ किया है कि हाँ नाइटेंगेल बहुत लकी है कि वो अपने लेमेंट को या अपनी खुशी को बयां कर सकती है खुल आ, पूरे फुल थ्रोटेड इससे है ना पूरे वर्ल्ड के सामने लेकिन ये गर्ल ये वुमेन जिनकी शादी हो गई है उनके पास तो इतना वक्त भी नहीं है इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने दुख को बयां कर सकें जो उनका जवानी जो है काम करते करते ढल गई है उसके बारे में भी वो कुछ बयाँ नहीं कर सकती एक दूसरे से बात भी नहीं करती कर सकती उस रिलेटेड रिलेटेड को लेकर तो नेक्स्ट सुना जब पढ़ते हैं फ्लोक ऑफ स्पैरोन इंकलिंग हैव। मतलब उन्हें जरा सी भी नॉलेज नहीं होगी कि उन्हें तो बांध दिया गया है सोशल कस्टम्स में कल्चर्स में उन्हें बांध दिया गया है है ना पिंजरे में बंद करके रख दिया है उन्हें इसकी उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गई हैं पहले कहाँ जाती थी वुमेन्स स्कूल पढ़ने की ज़्यादा नहीं थी तो उन्हें तो पता ही नहीं है किताबें उन्होंने नहीं पढ़ी हैं तो उन्हें तो पता नहीं है कि उन्हें तो बंद कर दिया गया है सोशल कस्टम्स में कि तुमने यही करना है अपना घास काटनी है घर के काम करने हैं और अपने हस्बैंड को खुश करना है बस यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उन्हें तो बिल्कुल भी फ्रीडम ही नहीं है पता ही नहीं है उन्हें कि वो क्या कर रही हैं है ना नॉलेज ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रॉम समवेयर द स्काई विल एक्सपेंड इन फ्रंट तो स्काई इज़ अ बास्ट थिंग स्काई यू नो बहुत बड़ी है खुला है ओपन है फ्रीडम है सभी के लिए लेकिन वुमेन के लिए क्या करता है स्काई वुमेन के लिए सोशल कल्चर में जो स्काई है वो भी एक्सपेंड हो जाता है कि तुम्हारे लिए मतलब उसको जगह ही नहीं छोड़ता है एक्सपेंड इन फ्रंट उनके सामने बिल्कुल स्काई भी ऐसे हमारे लिए तो स्काई बिल्कुल ओपन होता है ना उनके लिए स्काई ऐसे सामने खड़ा हो जाता है उनका सामना करने के लिए कि तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी फ्रीडम नहीं मिलेगी तुम लोगों को एंड द ड्रीम ऑफ ए लॉन्ग फ्लाइट बिल मोर्टली फियर हर फोनिंग आइस और जो उनका जो सपना है लॉन्ग फ्लाइट का उड़ने का मतलब आज़ादी का जो उनका सपना है वो उन्हें डेथ की ओर ले जाएगा बिल मोटली फियर हर फोनिंग आइस मोटली मीन्स लीडिंग टू डेथ तो उनका जो सपना है ना वो बस बीच में दबा ही रह जाएगा और धीरे धीरे वो अपनी मौत की ओर चली जाएंगी है ना बूढ़ी हो जाएंगी मतलब तो उनका जो आंखों के सपना फोनिंग आइस में जो सपना उन्होंने देखा है ना अपनी आंखों में लॉन्ग फ्लाइट का आज़ादी का सपना जो उन्होंने देखा है कहीं ना कहीं वो बीच में दबा ही रह जाएगा और उनके उनको अभी इस चीज़ की कोई आभास ही नहीं है तो वो तो अपने काम में रुझी हुई हैं और उसी में से कुछ हैं वो और क्या कर सकती हैं है ना अपने हस्बैंड को खुश करना अपने बड़ों को खुश करना बस वही है उनके लिए तो अभी यही आज़ादी है यही लाइफ है उनके लिए है ना तो कहीं ना कहीं उनके लिए लाइफ जो है यहीं पर इतनी ही रह गई है उनकी लाइफ बस घर के काम करना और अपने हस्बैंड को खुश करना इससे ज़्यादा कुछ लाइफ नहीं है उनकी अभी फॉर नथिंग फ्लोक ऑफ स्पेरोज डेस्पियर्स डेस्पियर्स मीन्स निराशा डिसपॉइंटमेंट सो फ्लोक ऑफ स्पेरोज मतलब वुमेन को कोई भी कोई भी निराशा ही नहीं है अभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है लाइफ से उन्हें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है लाइफ से जिस लाइफ में वो जो हैं अभी खुश हैं उसी में अपने लोट से अपने भाग्य से वो खुश हैं अभी कोई भी ज़्यादा उनकी आकांक्षाएं आकांक्षाएँ अभी नहीं रही हैं उनकी लाइफ में तो काफ़ी डल लाइफ हो गई है उनकी हम मान सकते हैं आफ्टर द ब्राइड्स डिपार्चर लविंग फादर विल मेंट द डिसमेंटल्ड डोर आफ्टर द ब्राइड्स डिपार्चर मतलब जब विदाई हो जाती है लड़की की उसके बाद फादर क्या करेगा डिसमेंटल्ड जो डोर तोड़ गए हैं ना पुराने समय में बराती ऐसे ही होते थे ब्राइड ग्रूम पार्टी ऐसे ही होती थी है ना शराब शुरू भी किया जाते थे नुकसान करके चले जाते थे लड़की के घर वालों का तो डिसमेंटल जो दो तोड़ के गए हैं उसको ठीक कर सकते हैं इसको अगर डीप मीनिंग से देखें तो कहीं ना कहीं ये शो करता है फादर और डॉटर के रिलेशनशिप को जो अब टूट चुका है जिसको फादर जोड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो जोड़ नहीं पाता क्योंकि अभी उसकी डॉटर की शादी हो गई है वो चली गई है माई के अपने ससुर के घर चली गई है ससुराल चली गई है वो है ना अपने इन लॉज के यहाँ चली गई है तो अब उनके बीच में वो स्टेटिक रिलेशनशिप नहीं रहा जो पहले रहता था हालांकि फादर उसको जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अनसक्सेसफुल रहता था उसमें क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता उनको अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करने में विद क्लोथ फ्रॉम टोयज टोन विदिन हिज शर्ट स्मेलिंग फुल विद स्पेट और जो टॉयज़ होंगे जो कपड़े के टॉयज़ होंगे उस उसकी लड़की के उनका जो कपड़ा है वो अब यूज़ किया जाएगा फादर की शर्ट को मेंड करने के लिए फ़ादर की शर्ट को सीने के लिए उनके कपड़ों को उसकी डॉल के कपड़ों को यूज़ किया जाएगा है ना जो उसके कपड़े जो हैं स्मेल की वजह से फोर्ट स्मेल स्वेट की जो स्मेल है उसकी वजह से गंदे हो गए हैं स्मेली हो गए हैं है ना उनको सीने के लिए उसके कपड़ों को यूज़ किया जाएगा जो उसकी डोल के कपड़े होते थे है तो ये भी कहीं ना कहीं वो मोटिव यूज़ कर रहा है कि अभी फादर जो है नेसेसिटीज़ ऑफ़ लाइफ के लिए फिर से उसने काम करना शुरू कर दिया है और वो भूल गया है अपनी डॉटर के विदाई को कि उसने अपनी डॉटर को विदा किया है जो इन चीज़ों को अभी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और फिर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के साथ वो जुड़ गया है काम करने के बीच में जुड़ गया है वो बाई इट्सेल्फ स्पन इंटू बोल्स इट विल नॉट पाइन स्पन इंटू बोल्स मतलब जो हमारा बहुत है ना आ, जो हमारा वो होता है क्या बोलते हैं उसको यार जो गोला वगैरह होता है ना जो क्या बोलें उसको पुराने समय में क्या होता था बुनते थे कपड़े को तो पोल में गोल में गोल में बुनते थे कपड़े को तो अभी यहाँ पे पोइट कहता है कि वुमेन की लाइफ भी वैसे ही गोल गोल हो गई है उसमें बंधनी शुरू हो गई है है ना हाउस होल्ड कोर्स के साथ जुड़ गई हैं अभी वो उसी में वो बंद गई हैं अभी उनकी भी बुनाई हो रही है लाइफ में है ना जैसे वो गोला बुनता है वो अपने काम में बुनी जा रही हैं बिल्कुल उसमें रुझती जा रही हैं है ना और अब उनका जो फ्लाइट का जो सपना है उड़ने का सपना था जो आज़ादी का सपना था वो अब ऐसे छोड़ दिया है अभी उन्होंने अभी वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती हैं बस अपने काम में जुड़ी रहती हैं और टाइम पास करती रहती हैं उसी के जरिए फ्लोक ऑफ स्पैरोज फॉर द स्पिनिंग हील सो स्पिनिंग हील इज काइंड इज अ काइंड ऑफ अनएडिंग जर्नी विच करेक्टराइज द वुमेन्स लाइफ है ना तो वुमेन की लाइफ भी अभी उस स्पिनिंग हील की तरह स्पिन होती जा रही है घूमती जा रही है बस ऐसे ही वो उनकी लाइफ जो है कट जाएगी लास्ट रांचा पढ़ते हैं फ्लॉक ऑफ स्पैरोज विल नॉट टेक फ्लाइट फॉर फॉर सम फार ऑफ कंट्री अब फ्लॉक ऑफ स्पैरो अब वुमेन फ्लाइट नहीं लेंगी जो शुरू में हुई थी कहानी शुरू शुरुआत शुरु शुरु हुई थी जिससे वही उसी से एंडिंग हो रही है कि अब उन्होंने वो सपना छोड़ दिया है फ़्लाइट का आज़ादी का, का सपना अब किसी दूसरे देश जैसे वर्ड जाते हैं दूसरे देशों में है ना इधर से उधर माइग्रेटरी वर्ड्स जाते हैं तो उनकी तरह उन्होंने सपना वो लेना छोड़ दिया है फ़्लाइट का फ्रीडम का आज़ादी का सपना लेना छोड़ दिया है अब वो केएज वर्ड की तरह हैं केज्ड वर्ड की तरह मतलब अभी वो पिंजरे में बंद गई हैं और उन्हें उसी में रहना अभी खुश आ गया है अपने मास्टर को खुश करना उस वर्ड की तरह एक पालतू कुत्ते की तरह उसने अपने मास्टर को खुश करना सीख लिया है और वो उसी में अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए खुशी है अभी कोई ज़्यादा लाइफ से एस्परेशंस नहीं रही हैं उसको उस वोमन की अभी इट विल ऑल्सो फील द इच ऑफ फोडर इच ऑफ फोडर मीन्स इच्छ होती है ना कुजली यहाँ पे होती है वहाँ पे हम इच करते रहते हैं फोडर होता है घास गा, है ना डंगरों के लिए या गायों के लिए घास जो होता है एनिमल्स के लिए घास होता है जो तो जब वो फोर्डर उठाती हैं ना तो उनकी बॉडी में इच हो जाती है है ना तो वहाँ पे वो खुद इचिंग करती रहती हैं तो इसको अगर डीप मीनिंग देखें तो इसका डीप मीनिंग ये है कि वो उनकी जो डिज़ायर है ना जो उनको भी उन्होंने अभी छेड़ना बंद कर दिया है जो उनकी लाइफ की डिज़ायर्स हैं एस्परेशन हैं उनको अभी इच करना छोड़ दिया है उन्होंने वो साइड में कर दिया है अभी कोई फ़ायदा नहीं है उसका द स्पोर्ट ऑफ मैंज़ ऑन द्हाइट शीट स्पोर्ट ऑफ मैंज मीन्स मैंसोरेशन दो धब्बे हैं जो मैंसोरेशन की, की you know, तो वाइट शीट के ऊपर वाइट शीट इज़ द स्परिट ऑफ वूमेन इज द यू नो अनसोल्ड स्परिट ऑफ वमेन तो जो वाइट शीट के धब्बे हैं उनको बिल मोक इट ऑल इट्स लाइफ उनका वो मोक करते रहेंगे उन्हें सारी जिंदगी के लिए है ना मजाक उड़ाते रहेंगे उनका डीप मीनिंग देखें तो ये है कि जो स्पाइट ऑफ स्पोर्ट ऑफ मैंसिस हैं अब उनको जो बर्थ देने की क्वालिटी है जो वुमेन की जो वुमेन की बर्थ देने की क्वालिटी है उसको भी कहीं ना कहीं इस सोशल कस्टम्स ने कल्चर्स ने हमारे एक तरह से इसको एक रिवाज बना दिया है है ना वुमेन का जो क्वालिटी है जो उनकी ताकत है स्ट्रेंथ है बर्थ देना उनकी स्ट्रेंथ है वुमेन की उसको मैन सोसाइटी ने पेट्रियारिकल सोसाइटी ने उसको एक तरह से एक रिवायत बना दिया है रिवाज बना दिया है उसको तो कहीं ना कहीं वुमेन को डीग्रेड किया गया है वुमेन को उतना सोशल कस्टम्स में बांध के रख दिया गया है केज्ड कर दिया गया है उनको सोशल कस्टम्स में फैमिली के रिलेशनशिप्स के फैमिली रिलेशनशिप्स के नो दबाव में उन्हें कहीं ना कहीं बांध के रख दिया है और उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई है ये पोइट बताना चाहता था अपनी इस पोइम में इसी तरह से ये पोइम हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है पाँच थे इस पोइम में बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार पोइम थी आई होप मैंने आपको पोइम ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई है अगर आपको ये पोइम समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए दिस मच ऑल इन दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एस